खबर रीवा जिले से है, जहां प्रसिद्ध रानी तालाब में मछलियों के मरने की जानकारी लगते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल उठे। आनन फानन में प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और जांच पड़ताल किया। हालांकि इस दौरान आसपास के लोग मछलियों को एकत्र करने में जुटे रहे। मत्स्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि जहर डालने की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन मछलियों को देखने से ऐसा लग रहा है कि जहर नहीं बल्कि पानी में ऑक्सीजन की कमी हुई, जिसके पीछे तर्क दिया गया कि मटमैला पानी है, मछलियों की संख्या ज्यादा है, सूर्य का प्रकाश सीधे अंदर तक नहीं पहुंच पाता, जिसके चलते ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे मछलियां अचेत हुई। और आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से रानी तालाब में मछलियां मर रही हैं और पुजारी पार्षद के साथ साथ मत्स्य विभाग के डायरेक्टर का क्या कहना है। ये सब गेट खोलो, गेट खुलवाइए भैया, भगवान सबको गेट खुलवाइए, ताला अब पाने पाने धंधा में लगे। सुनिए सुनिए सुनिए, चार बजे से घुस रहे हैं तालाब में, कूद रहे हैं, ये साले रात भर नहीं जाएंगे। बता रहे हैं कम 300 लोग तालाब के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, तालाब में 300 लोग घुसे हैं, डंडा लेकर। क्या नाम है आपका? राजमोहन चौधरी। क्या है आप? वो पार्षद हैं। किस वार्ड के? जी 38 वार्ड। ये क्या गंदगी मछली, क्या ये समझ में नहीं आता कि क्या कैसे हुआ। स्वास्थ्य अधिकारी बोले कि उसमें गर्मी के कारण से, जैसे गर्मी कुछ ज़्यादा थी, उसके उबाल कारण से ही लोग नहीं सह पा रही मछली, इसके कारण से मर रही है। अभी हम उससे जानकारी लिए भी तो बोले कि गर्मी के कारण है, बाकी कोई दवा ववा नहीं डाली है। अभी हम चेक कराए हैं, स्वास्थ्य अधिकारी बोले हम चेक कराए हैं, दवा ववा कोई प्रकार की नहीं डाली गई है। और अब ये है कि गंदगी, अगर जैसे मर गई मछली ना, तो गंदगी होगी पूरी तरह से, तो बीमारी फैलने का बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो क्या दवाई है कि क्या है? वो स्वास्थ्य अधिकारी तो बोले कि हम चेक कराए कि उसमें कोई प्रकार की दवाई नहीं डाली है। दवाई नहीं? दवाई नहीं है। गर्मी कारण? गर्मी के कारण से। जी जी। क्या नाम है आपका? राजमोहन शर्मा। ये रानी तालाब में क्या हुआ? ये रानी तालाब में आज सुबह से जो है मछलियाँ यहाँ जो है तो काफ़ी अकुला करके जो है तो वो हो रही हैं, मर रही काफ़ी मात्रा में यहाँ। यहाँ लोग बाग जो है तो और लोग पब्लिक ही मार रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी लाठी से लेकर मारती है, तो और जो बड़ी बड़ी मछली वो मर मर के गिर और पट हो रही हैं। आज यहाँ शासन प्रशासन द्वारा जो तो सूचना दे दी गई है, तो सब टीम आ गई है यहाँ, देख रहे पुलिस डिपार्टमेंट और सब नगर निगम डिपार्टमेंट आकर सब देख रहे हैं व्यवस्था। अभी कौन आया है? अभी तो शायद नगर निगम कमिश्नर शायद आई हैं, स्वास्थ्य अधिकारी भी आई हैं, चतुर्वेदी जी भी आए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। जी निरीक्षण कर रहे हैं, नाव चल रही है, आप लिख दिए सामने। इससे क्या नुकसान हो रहा है? अब इससे नुकसान अब यही मछली मर रही है, बस पानी गंदा हो रहा है, पानी गंदा हो रहा पूरा, मेरे को लाल लाल पानी दिखाई दे, मछली को मार दी लाठी, खून गिर रहा था उसके कारण और पानी लाल लाल हुआ जा रहा, इससे बीमारी भी हो, बीमारी फैलेगी ऑटोमेटिक बात है।
यही अभी प्रदूषण खूब हो रहा है, बदबू आ रही है यहाँ पर, पूरे खड़े मंदिर खड़े रहा ही नहीं पड़ रही यहाँ पर। क्या नाम है आपका? प्रधान पुजारी पंडित देवी प्रसाद महाराज जी। मछलियाँ उतरा रही हैं, क्या वजह है? इसमें मछलियों की संख्या ज़्यादा हो गई, इनकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई है और इसमें ऑक्सीजन की हो रही है कमी, क्योंकि पानी भी मटमैला है और मटमैले की होने की वजह से जो सनलाइट है वो अंदर तक जा नहीं रही है, तो ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ रीज़न इनका यही है मरने का। बाकी मैंने अभी देखी है कुछ मछलियाँ, उनका गिल वगैरह देखा है, गिल एकदम फ्रेश है। और जहाँ तक जहर वगैरह की बात है तो जहर भी नहीं दिख रहा कहीं, क्योंकि उनके बॉडी का स्ट्रक्चर और उनमें कलर चेंज हो जाता है, बट ऐसा अभी तक चेंज नहीं मिल रहा। मछली रखी हुई है मैंने देखा तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें ऑक्सीजन डिप्रेशन हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो गया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी के कारण मछली मर रही है। और ये कंटिन्यू होगा अभी, क्योंकि जो हम लोगों का डे नाइट का टाइम होता है लगभग 3 से 4 बजे 5 बजे का जो मॉर्निंग टाइम होता है, उस समय ऑक्सीजन वाटर में कम हो जाती है। तो उस समय अब इसके लिए करना क्या है, करना यही है कि हमने तो अभी इनको बोला है कि कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना जो है वो उसको छिड़काव कर दे, जिससे थोड़ा ऑक्सीजन मेंटेन हो जाता है। सेकंड है इसमें कि इसके अगर इसमें एरिएशन करा दिया जाए, एरिएशन का मतलब जैसे फाउंटेन्स वगैरह चल जाए, इनके स्टीमर्स चल जाए, तो पानी में एरिएशन होता है तो ऑक्सीजन आ जाता है। बाकी ये सफोकेशन से मर रही है, इनका सिर्फ रीज़न है सफोकेशन से। जो ले भी जा रहे हैं किसी उनके लिए उतनी हार्मफुल नहीं दिख रही है, बस ये है कि अगर ये ख़राब हुई रख रहे हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं रख रहे हैं, उनको 4 दिन तक खाएंगे तो उससे मर सकते हैं, वो एक अलग बात है, उससे डिजीज बीमारी भी फैल सकती है। लेकिन अभी जो फिश है वो फ्रेश है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर अंजना सिंह, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज हूँ रीवा में, डिविजनल ऑफिस में भी हूँ और